अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर जिला में गत दो दिनों से हो रही बेमौसमी बारिश की वजह से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। बारिश की वजह से फसलें खराब हो रही हैं और खेतों में पानी जमा होने से गेहूं की फसल बर्बाद होने की कगार पर है। कुछ दिन पहले पीला ऋतुओं की मार झेल रहे किसानों की बेमौसमी बारिश ने कमर ही तोड़ दी है। हमीरपुर जिला में गत दो दिनों से हो रही बेमौसमी बारिश की वजह से किसानों के माथे पर अब चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। बारिश की वजह से फसलें खराब हो रही हैं और खेतों में पानी जमा होने से गेहूं की फसल बर्बाद होने की कगार पर है। कुछ दिन पहले पीला ऋतुओं की मार झेल रहे किसानों की बेमौसमी बारिश ने कमर ही तोड़ दी है। जिला के कुछ एक जगहों में ओलावृष्टि भी हुई है, जिसमें आड़ू, आम, नींबू, सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। जिला के बड़सर, बोरस, नादौन, सुजानपुर, हमीरपुर में दिन रात भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। किसानों की माने तो फसलों पर कुछ दिन पहले ओलावृष्टि होने से फसल काफी हद तक खराब हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते जो बची हुई फसल थी वह भी खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी है। किसानों के चेहरे पर शिकन देखी जा रही है, क्योंकि महंगाई के दौर में फसल के बर्बाद होने से गुजारा करना दूभर बनेगा। किसानों ने सरकार से मांग की है कि फसल के खराब होने के चलते मुआवजा दिया जाए। किसान पवन ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बारिश और ओलावृष्टि से उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि जिस तरह पहाड़ी क्षेत्रों सेब इत्यादि की फसल होने पर मदद दी जाती है, इसी निचले क्षेत्र के किसानों के लिए भी सरकार मदद दे। इसके बारे में सबसे पहले पीला ऋतुओं का फर्क पड़ गया, उससे ज्यादा नुकसान हो गया। अब बारिश ज़्यादा होगी, इसकी वजह से सारी कणक जो खराब होगी, सारी गिर गई है। अब ज़्यादा कट्टू या जो वैसे जैसे जानवर हैं वो ज़्यादा इसको नुकसान बन जाएंगे। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे, जैसे ऊपर सेब वालों को मुआवजा दिया जाता है, वैसे नीचे हिमाचल वालों को भी कुछ मुआवजा दिया जाए, जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिले। हम सरकार से बर्दाश्त करेंगे। किसान कल्पना ने बताया कि दिन रात बरसात की तरह बारिश हो रही है, जिससे फसलों पर उल्टा असर हो रहा है, क्योंकि धूप नहीं खिलने से अब गेहूं की फसल पक नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि अगर अगले दो तीन दिन भी मौसम खराब रहा तो फसल खराब हो जाएगी। हाँ जी, बहुत नुकसान हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि थोड़ा हमें मदद दे दे सरकार, तो बहुत अच्छा है। जैसे सेब ऊपर वाले इलाके में होता है, उनको मदद देती है सरकार, हमें भी थोड़ी सी दे दो तो बहुत अच्छा है। हमारा भी थोड़ा ऐसे है, बहुत नुकसान हो रहा है खेतों में, कोई फसल हानि हो रही है ज़्यादा भारी बारिश से, और हमें भी बहुत नुकसान हो रहा है इससे। हाँ जी।